केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं और किसानों के द्वारा आज किए गए भारत बंद के आह्वान में कई राजनीतिक संगठन भी किसानों के समर्थन में उतरे नजर आ रहे हैं। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद से पुलिस व प्रशासन अफसरों से आज सुबह से ही सपा नेताओं को उनके घरों में ही नज़रबंद कर दिया और सपा नेताओं के घरों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेता हाजी नासिर कुरैशी ने कहा कि काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि किसान मर रहा है, भूखा प्यासा सड़कों पर पड़ा है, मगर ये भाजपा सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। भाजपा सरकार ने किसानों से, मजदूरों से, मध्यम वर्ग से छल करके वोट लिया और आज ये भाजपा सरकार सेंट्रल में बैठी है और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि किसानों की बात को सुना जाए और इस काले कानून को वापस लिया जाए। आज काफ़ी समय से आप लोग देख रहे हैं कि किसान मर रहा है, भूखा प्यासा पड़ा है, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की बात को नहीं सुन रही है, जो कि तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन किसानों को, मजदूरों को, दबे को, कुचलों को छल करके वोट लेने का काम किया। आज ये सरकार सेंटर में बैठी है और किसान मर रहा है, किसानों को उग्रवादी बताया जा रहा है और किसानों को उन पर पानियों की बौछार की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने किसानों को समर्थन देने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज उनके आह्वान पर हम सब समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के साथ समर्थन पर हैं और हम लोग ये कहते हैं कि किसानों की बात सुनी जाए और इस काले कानून को वापस लिया जाए। तो हम लोग इसी वजह से तमाम समाजवादी पार्टी के लोग आज इस चीज़ पे इन किसानों के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि किसानों की बात को सुना जाए और इस काले कानून को वापस लिया जाए। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हर उस गरीब के, दबे के और कुचलों के साथ हैं और उन मजदूरों के साथ हैं, उन गरीबों के साथ हैं जिनके ऊपर अत्याचार होगा, उसके साथ हमेशा समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी। और इसी तरह से आज हम किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का पालनकार है, किसानों के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हम लोग अभी यहाँ से कचहरी जाने के लिए थे, लेकिन हमें यहीं पर नज़रबंद कर दिया गया है और हमारे घर पर ही तमाम पुलिस ने हमको घेर लिया है। तो हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की, ये तानाशाही की सरकार अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनका जो ज्ञापन है नासिर कुरैशी जी का, वो यहीं जो है इनके आवास पर इनको हाउस अरेस्ट करते हुए ले लिया गया है और इनका जो ज्ञापन है उसमें जो बातें हैं उनका निर्णय जो है उच्च स्तर पर किए जाने की बात है, तो वो उच्च स्तर पर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल इसमें जो है धारा 144 की भी बात है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कोविड-19 का जो संक्रमण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत दिसंबर और जनवरी का महीना जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, तो लोगों को जो है उससे बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया कि उनके आवास पर ही जा करके हम लोग जो है।